हेलो, दिस इज हिमांशु एंड नाउ यू आर वाचिंग टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आधे से अधिक पदों को रिजर्व कर दिया है, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया रुक गई है। एक प्लान्ड तरीके से विशेष पक्ष के द्वारा इस प्रक्रिया पर रोक लगवा दी गई है, जिसके बाद अब हम सभी के पास दो रास्ते हैं। एक तो जुलाई का इंतजार करें, सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई का इंतजार करें, और दूसरा कुछ ऐसा करें जिससे अपना भविष्य सुरक्षित हो सके, और वह है अवैध भारांग पर लड़ाई। आप सभी जानते हैं कि इसके पहले भी भारांग पर एक याचिका हमारे द्वारा दाखिल की गई थी, परंतु सीनियर एडवोकेट्स नहीं थे, जिसकी वजह से 3-4 सुनवाई कराया गया और उसके बाद उस केस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि बात हम सभी की सिर्फ यहीं तक सीमित थी कि अगर नौकरी मिल जाती है तो फिर किसी और चीज़ पर छेड़खानी क्यों किया जाए। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भारांक मुद्दे पर केस किया गया, प्रक्रिया चलती रही, सुनवाई होती रही, सरकार को नोटिस भी भेजा गया। इस दौरान 60-65 जीत गया तो हमें लगा कि अब सभी की नियुक्ति हो जाएगी, अच्छे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने ही वाला था कि काउंसलिंग के दिन रोक लगा दिया गया और उसके बाद 37,000 पदों को रिजर्व कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई होगी, हो सकता है कि एक सुनवाई हो सकता है 2-4 सुनवाई हो, अब ये कोर्ट में मामला है, परंतु एक चीज़ हमारे सामने जो है वो है भारांक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 5% भारांक कहा है, और अब हम सभी को भारांक पर एक सीनियर अधिवक्ता करना है, कम से कम अपनी नौकरी के लिए, ठीक है। इसलिए आप सभी लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। यह भारांक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सोचिए, विरोधी आपके खिलाफ हर साजिशें कर रहे हैं, वो प्रक्रिया पर रोक लगवाने के लिए कितनी प्रकार की साजिशें, वह बीएड को बाहर करने के लिए याचिकाएं दाखिल किया है, वो आंसर की पर स्टे ले लेता है, वो 40-45 के लिए लड़ रहा है, वो पेपर रद्द कराने के लिए याचिकाएं अलग से डलवाता है, सपोर्ट करता है उसे, और वो पेपर आउट कराने को भी पेपर आउट, उसके बाद सीबीआई जांच, यानी ये सारे प्रकार की साजिशें 69,000 प्रक्रिया में हो रही हैं। और आप, जबकि आपका सबसे ज़्यादा हक है, आपकी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गया, आप आराम से घर पर बैठे हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद जुलाई में आपके फेवर में डिसीजन आ जाए। गवर्नमेंट का आप देख ही रहे हैं, आपने उस दर्द को भी फेस किया है काउंसलिंग वाले दिन, और उसमें मैं भी था, कोई अलग नहीं हूँ। नियुक्ति प्रक्रिया पर सिंगल बेंच ने रोक लगा दिया था, आप सभी देखते हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाया था। फिलहाल आपको वर्तमान समय में क्या करना है, सपोर्ट शैलेश कुमार पांडे और 3 और, उसमें हम भी थे, कई लोगों 4 लोगों के नाम से याचिका डाली गई थी, इस पर सुनवाई भी हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें प्रेयर क्या किया गया, उस प्रेयर को भी आप देख लीजिए कि एक आर्डर कोर्ट से प्रेयर किया गया कि कोर्ट जो 2.5 मार्क्स का वेटेज हर साल शिक्षा मित्रों को मिल रहा है उसको क्वेश कर दे, 25% का जो भारांक इनको दिया जा रहा है उसी को सेट असाइड करवाने के लिए प्रेयर किया गया था। हमने बार बार कहा कि इस पर सीनियर एडवोकेट्स अपीयर नहीं हो सके, जिसकी वजह से बाद में इस केस पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब जिंदगी का प्रश्न है, अब नौकरी का प्रश्न है, और सिर्फ जो चयनित है उसका प्रश्न नहीं है, जो 8,000 चयनित हैं और उन पर भी प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि जो अभ्यर्थी 64 गुणांक वाले हैं, 65 गुणांक वाले हैं, 66 गुणांक वाले हैं, उनका सबसे ज़्यादा लोकस बनता है, उन सभी अभ्यर्थियों को साथ देने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उनका चयन नहीं हुआ है तो अब वो इस पर सपोर्ट नहीं करेंगे, ये आपकी गलतफहमी है, ये आपके लिए आपके हक की लड़ाई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप किसी दूसरे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं तो हमारा भी अधिकार है। और जब 38,000 पदों को रिजर्व करा दिया गया तो उस दिन बहुत बड़ा झटका लगा था हर किसी को, और काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद यह नतीजे इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि अब आप लोगों के सपोर्ट पर डिपेंड करेगा, हम सभी मिलकर इस केस को आगे बढ़ाएं और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को जोड़कर सीनियर एडवोकेट्स किया जाए, जिससे इस जो ये याचिका डाली गई है इस पर हमें न्याय मिले, जिसमें हमने वेटेज को रद्द कराने की कोर्ट से प्रेयर की है। इसमें आप देख सकते हैं माननीय अनिल कुमार और माननीय सौरभ लवानिया जी की बेंच में यह मैटर लग चुका है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि रिट पिटीशन उत्तर प्रदेश जो बेसिक एजुकेशन सर्विस है, जिसमें नोटिफिकेशन मतलब चैलेंज किया गया 1981 का, ठीक, 9/11/2017 का, जो कि वेटेज दिया गया है, और इसमें नोटिस करा दी गई है एडवोकेट जनरल को, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और फाइलिंग काउंटर एफिडेविट विद इन 4 वीक्स, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार के महाधिवक्ता को नोटिस भी जारी करा दिया गया है। और मैं एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ कि इसके बाद मैंने सुनवाई के लिए जो डेट लगी थी 4 हफ्ते के बाद की भी एक डेट लगवाई थी, परंतु उसमें अधिवक्ता अपीयर ही नहीं हुए, हमारी ओर से ही अधिवक्ता अपीयर नहीं हुए, और उनके द्वारा जो अमाउंट मांगा गया था वो हमारे पास अफोर्ड नहीं कर सके उस दौरान, तो हमने उसको उनको पे नहीं कर पाए, और इस वजह से उसके बाद उस दिन मैटर सुना नहीं गया।
और अब हम सभी की नियुक्ति फंसी हुई है। देखिए दोनों लोगों की बात हो रही है, चाहे वो चयनित हो चाहे वो अचयनित हो, जो भी 90-97 को सपोर्ट करता है उन सभी को एग्जिट होने की ज़रूरत है और प्रयास करने की ज़रूरत है। इस भारांग के मैटर को हम आराम से जीत सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वेटेज 5% तक दीजिए, ठीक। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 5% का वेटेज दिया हुआ है तो 25% का वेटेज, 5 गुना अधिक वेटेज नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कहा है, ऑर्डर नहीं पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप दे सकते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में समायोजन रद्द करते समय भी सिर्फ छूट देने को कहा था, वहाँ पर भी कोई ऑर्डर नहीं था। वो दे सकती है गवर्नमेंट, वेटेज गवर्नमेंट दे सकती है, न कि देना ही है, मैंडेटरी नहीं किया गया था। इसलिए ग्राउंड को समझें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये भी कुछ लोग कहते हैं कि एक बार मिल गया तो दूसरी बार तो पक्का मिलेगा। ऐसा कोई आदेश आप दिखा दीजिए जिसमें यह बात कहा जाए कि एक बार गलत हो गया तो दूसरी बार भी गलत होगा, ऐसा नहीं है। पिछली बार किसी ने चैलेंज ही नहीं किया, पिछली बार किसी ने कोर्ट को यह नहीं बताया कि उसका अहित हो रहा है। आखिर आप कोर्ट से न्याय मांगने जाएंगे तभी आपको न्याय मिलेगा। अगर आप 64 गुणांक वाले हैं, आप 65 गुणांक वाले हैं और आप 66 गुणांक वाले हैं और आपका 25% भारांग की वजह से सिलेक्शन नहीं हो सका है, तो आप कोर्ट में जाइए, प्रेयर करिए। और हम उसी लिए जा रहे हैं। अब जब आज 38,000 पदों को रिजर्व कर दिया गया तो हम सभी की नियुक्ति पर एक प्रकार से प्रश्न खड़ा हो सकता है। तो इसलिए अपने अधिकारों को लड़ना है, आप सभी को साथ देना है। हम बहुत लंबे समय से विचार कर रहे थे, ठीक है, और अभी हमारे पास 1 हफ्ते का समय है, लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा का 9 दिन हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और जुलाई में इसकी सुनवाई करा देंगे और एक दो सुनवाई होगी, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। प्रयास यही रहेगा, लेकिन हमारे पास सीनियर होना बहुत ज़रूरी है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सभी सपोर्ट करिए, ग्रुप से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, 9044050382। यू कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम एंड यू कैन ऑल्सो कॉल टू दिस नंबर, ओके। व्हाट्सएप कॉल करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू।